तले कढ़ाई का आधार होते हैं। हफ्तों महीनों तक बारीक डिजाइन पर चिकन की कढ़ाई की जाती है। सुंदरता केवल किसी वस्तु की नहीं होती, वो होती है उन हाथों की निरंतरता की जिनसे उसका सृजन हुआ है। सुंदरता होती है उन कारीगरों की दृढ़ता की। इतनी मेहनत और कारीगरी है इस काम में, क्या वैसा ही इसका भविष्य भी दिखता है या फिर कुछ संशय है? अपने काम में पूरी तरह तल्लीन ये हुनरमंद एहसास दिलाते हैं निर्माण की तन्मयता की। पुरुष आते हैं, माल यहाँ से ले जाते हैं, वो गांव में जाकर उसको लेडीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि लेडीज पे कोई डिपेंड नहीं है, परमानेंट नहीं काम करेगी इसके ऊपर। जब वो घर से मतलब 2 घंटे 3 घंटे खाली हुई तो उसने बना दिया। अगर इस पर डिपेंड होगी तो उसकी लेबर बहुत होगी, लेबर होगी तो फिर इतना महंगा बिक नहीं पाएगा। ये जैसे ट्रेडिशनल आइटम है, ये वाइट वर्क है, इसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। ये फॉर एवर होता है, ये बरसों से चला आ रहा है यही काम। सफ़ेद धागे ही ट्रेडिशनल है, इसका वर्क बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ वर्क। पुराने पुराना काम इसी को बोलते हैं, जो लखनऊ का मेन काम पुराना वो यही है। चिकन का वर्क टोटल हैंड वर्क है। इस एम्ब्रॉयडरी को कोई भी वर्ल्ड में कोई ऐसी मशीन नहीं अभी तक बन नहीं पाई है जो सेम ऐसे इसको बना दे। ये बैक में अगर जो ओरिजिनल पीस होगा ये, तो इसमें थ्रेड जरूर होगा। ये 10,000 का पीस भी होगा तब भी ये थ्रेड जरूर होगा। अब ये थ्रेड एक एक काटा जाता है, यही इसकी पहचान है कि ये जो है ओरिजिनल है। चिकनकारी विदेशों में कितनी पसंद की जाती है यह उसके निर्यात से समझा जा सकता है। लखनऊ से बहुत प्रोडक्शन में बाहर भी नहीं जाता है, अपना इंडिया में बहुत दिखता है, बॉम्बे है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, एक्सपोर्ट हमारा USA में भी होता है, मॉरिशस में हमारा एक्सपोर्ट जो अपना हो रहा है, और बाकी हमारा हिंदुस्तान में तो सब ही माल बिकता है। आज मुझे जो लग रहा है आने वाले पीछे हुए और समय से और आने वाले समय में बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। पहले जब हम लोग 20,000 सेल करते थे लगता बहुत हो गया, 2 लाख करता हूँ सेल नहीं लगता कि बहुत हो गई है। कोई भी हो बंदा जब टारगेट नहीं लेगा तो सर्वाइवल नहीं होगा। बार्गिन नहीं होती कि कस्टमर इसे कभी कभी कहता है ओबलाइज करने के लिए, खुश करने के लिए, तो कुछ न कुछ कर दिया जाता है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर जो कहता है थोड़ा सा उसकी सुनना पड़ता है। मतलब मार्केट में बने रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नई चीज़ लाना। तो डिज़ाइनिंग हम लोग भी करते रहते हैं, जैसे आप देखते थे पहले चिकन में क्या होता था, सिर्फ आपको वही आम का बूटा या कुछ मिल जाता था। नाउ अब हम कोशिश कर रहे हैं और नई चीज़ें डालने का, जैसे नए फ्लावर्स इंट्रोड्यूस करें उस टेक्स्ट में, या ये आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशन लेके। और इंडिया में तो बहुत स्कोप है, बिकॉज अब हमें एक तरह से चिकन एक आर्ट बन चुका है। इनफैक्ट नॉट ओनली नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बहुत ही अप्रिशिएट करा जाता है, क्योंकि
मैं जब बाहर भी थी तो मैं गई थी एक एम्ब्रॉयडरी कंपनी के पास जो कि स्पेशलाइज करते हैं, और मैंने वहाँ पे देखा कि वो लोग सिर्फ मशीन पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, मेरा इंडिया में एक हमारा बिजनेस है जिसमें हम सिर्फ हाथ का काम करते हैं। वो लोग तो बिल्कुल, मतलब उनके लिए तो सोने खरीदने जैसा हो गया। जितनी मेहनत और कारीगरी है इस काम में, क्या वैसा ही इसका भविष्य भी दिखता है या फिर कुछ संशय है? क्या आज के कारीगरी की ये उस्ताद अपनी आने वाली पीढ़ी को इस काम के हुनरमंद के रूप में देखना चाहेंगे? बच्चों को आने की कोशिश बहुत कम ही सोची है, क्योंकि इसमें जो है कोई ज़्यादा आमदनी का जरिया नहीं है। तो गवर्नमेंट भी इस तरह सोचे तो काफ़ी दुकानदारों को भी बेनिफिट मिले, चिकन की पहचान आगे बढ़ सके कि आखिर ये वर्क है क्या। बचपने में काम सीखा था मैंने, और बचपने में सीखते सीखते मुझको कम से कम 8-10 साल लग गए। अगर सरकार मदद करेगी तो कुछ बढ़ सकता है काम काज आगे। इसमें तो कला ही है, कारीगरी, मतलब गाड़ी घर की चल रही है बस, मगर पैसा बहुत कम है। मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है। अब इसी काम से मेहनत कर करके जो है बच्चों को पालना भी है, पढ़ाना भी है। शादी हो गई है, मियाँ ने छोड़ दिया है, तो हम बच्चों को पाल लें अपने। यही काम से अपने बच्चों को पालना है, पढ़ाना है, लिखाना है। मेरे 6 बच्चे हैं, हमारी एक बेटी है, वो हमारे पास रहती नहीं। हमने सोचा इसको सिखाएं, और भी लोगों को सिखा देंगे हम। जब हम सीखेंगे तो बहुत लोग को सिखाएंगे। अब कोशिश यही करेंगे कि जो है अपना डिज़ाइन बनाएं। उंगली के इशारों से ये धागे कपड़ों में जान डाल देते हैं। आकृति अंकन के ये अद्भुत नमूने सजीवता के साथ आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति तो है ही, और भावों में गूढ़ता नहीं, तरलता है जो सहज ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। चिकन का जो काम है पेशेंस का काम है। आप लगे रहते हो और आप बॉदर नहीं करते हो कि आप उससे क्या रिटर्न्स आपके आने वाले, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप रिटर्न्स को नहीं सोच रहे हो, आप अपनी तरफ से एक डिवोशन है इनके लिए चिकन। वो डिवोशन एक बहुत बड़ी चीज़ है इनसे सीखने के लिए। हमने एक कमिटमेंट भी लिया इन कारीगरों ने कि एक मिनिमम स्केल डिसाइड किया है, ना तो ये उससे कम पे काम करेंगे, ना ये किसी से उससे कम पे काम कराएंगे, एक मिनिमम वेज, जबकि मार्केट उससे 1/4 दे रहा है। मुझे पहले लगता था शायद इनको मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाना, उस तरह से खुश हों, लेकिन मुझे धीरे धीरे इनसे लग गया कि ये कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट चाह रहे हैं अपने क्राफ्ट के लिए, अपने लिए। मतलब चिकन के काम को बहुत ज़्यादा, मतलब लोग वो नहीं करते, बहुत वैसी निगाह से देखते हैं कि जो लड़कियाँ चिकन का काम करती हैं वो लड़कियाँ, मतलब काम नहीं अच्छा है, चिकन के काम को उतनी इज्जत नहीं मिलती है। तो वो भी चाहते हैं कि हम लोग इस, कि हम लोग को उतनी इज्जत मिले इस काम से, कि जहाँ पे हम लोग हों तो ये लोग कहें कि ये चिकन का काम करती है, ये मतलब एक इज्जत की नज़र से रेस्पेक्ट मिले, उतनी ज़्यादा मिले। तो इस इतनी तो कोशिश है कि इज्जत मिले इस काम को लेके, कोई वैसी निगाह से ना देखे, अच्छी निगाह से देखे कि हाँ ये लोग ये वाला काम करती हैं। कारीगरों की भी उतनी इज्जत होनी चाहिए। ऐसा कोई ख्वाब अभी देखा नहीं कि बहुत ऊंचाई तक जाए, क्योंकि उतनी अभी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इस वजह से हम लोग को ये तो है नहीं कि बहुत ऊंचाई तक के पहुंच पाएंगे। लेकिन अब यहाँ से लगता है कि कोशिश की है पहुंचने की, अगर सब पूरा हो गया ख्वाब तो वो तो पूरा हो गया। देखा नहीं था कि इतनी ऊंचाई तक जाएंगे, ये नहीं सोचा था। यही सोचा है कि ये काम आगे तक के करें, क्योंकि हमें पहले ही से हम सोचते थे, मगर अब मौका मिल गया है, एक मौका मिल गया आगे बढ़ने का, तो कोशिश यही है कि आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाना है। कि काम तो सभी बना लेते हैं, डिज़ाइन करा हुआ काम होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छे काम की पहचान होती है। एकदम फैंसी काम, सफाई का काम बना हुआ, जो जब तक हाथ में कोई नहीं लेगा उसको देखे ना जब तक है, तो दूर से तो सभी अच्छा लगता है। चालू काम इतना खराब बिकता है, हम यही चाहेंगे अब अच्छा काम लोग खरीदें, उसको पहचाने, देखे कि ये अच्छा है या कैसा है। तो अगर हम लोग का काम बाहर जाएगा तो हम जरूर चाहेंगे बिके वो। वास्तव में भारत की दस्तकारी को स्वस्थ रखने के सरकारी प्रयास तो होते ही हैं, लेकिन जरूरत है आम आदमी के इससे जुड़ने की, एक प्रण करने की कि अपने देश की इस समृद्ध कला को उनका गौरव दिलाने में अपने हिस्से के कर्तव्यों को पूरी तरह निभाएंगे, तभी तो अतीत की इस विरासत के हकदार बनेंगे।
बड़ी खूबसूरत दास्तां है चिकन की, जिसे देखो पहने हैं साड़ी चिकन की। नफासत है नजाकत है ये लखनऊ शहर की, दस्तकारी है कलाकारी है ये शहर की। बड़ी खूबसूरत दास्तां है चिकन की, बड़ी खूबसूरत दास्तां है चिकन की, बड़ी खूबसूरत। बाहर के लोग तो, अब हम लोग हैं तो कभी हम लोग तो चिकन पहनते ही नहीं हैं, लेकिन बाहर से लोग आते हैं, खास तौर से लखनऊ में क्या लेना है भैया, चिकन लेना है। और चौक में तो चिकन यूँ भी खास तौर से बहुत फेमस है, जो है चौक में जो वैरायटी मिल जाएगी वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे लखनऊ में नहीं मिलेगी फिलहाल। हमें भी शौक है जी, कुछ आगे बढ़ें, अपने बच्चों के बारे में सोचें। हमको देख देख के मेरी लड़कियाँ और बेटियाँ हैं जो देखेंगी इसको, और वो भी कोशिश करेंगी चिकन बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं बेटी है बेटा नहीं है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, औरतें लड़कियां सब आगे बढ़ सकती हैं। हम यही कहेंगे कि हम लोग को मतलब बढ़ावा दें, और हम लोग का काम जो है देख के और अच्छा मतलब वो डिज़ाइनिंग देख के ख़रीदें, तो हम लोग को खुशी भी होगी कि हम लोग इस हमारे चिकन में लगे हैंगे। और अगर से हमको बढ़ावा नहीं मिलेगा तो हम लोग का दिल टूटेगा ना, कि हम लोग वहीं के वहीं पड़े। भारत के हर राज्य की तरह ही राजस्थान भी अपनी हस्तकलाओं के लिए, दस्तकारी के लिए विशेष स्थान रखता है। और ये हस्तकलाएं, ये कारीगर युगों का इतिहास संजोए एक निरंतरता बनाए हुए हैं।